हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ न्यू मिलिट्री बेस। फ्रेंड्स, इंडिया एक नया मिलिट्री बेस तैयार करने जा रहा है जो कि सेशल्स में तैयार करेगा। फ्रेंड्स, सेशल्स एक कंट्री है जिसके अराउंड 115 आइलैंड हैं। उन 115 आइलैंड में से एक आइलैंड है अजम्पशन आइलैंड, जहाँ इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियाज़ एंड सेशल्स रिलेशनशिप, वाई दिस मिलिट्री बेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, यहाँ सवाल ये उठता है कि सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने दी कि इंडियन आर्मी का मिलिट्री बेस बाहर होने चाहिए, ओवरसीज मिलिट्री बेस होने चाहिए। ये सबसे पहले प्रोपाउंड की थी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने। इन 1999 इन्होंने ये इनिशिएटिव लिए थे कि हमारे ओवरसीज मिलिट्री बेस होने चाहिए। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स ये इलेक्शन हार जाते हैं और कांग्रेस सरकार आती है जो इनके सारे इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट थे सबको रिजेक्ट कर देती है। देन आफ्टर 10 ईयर्स नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और इन्होंने 2014 में आते ही काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए। जो भी वो प्रोजेक्ट बंद पड़े थे उनको वापस खोला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाए थे, और काफ़ी इनिशिएटिव्स लेते हैं। ये 2015 का फोटो है फ्रेंड्स, जहाँ पे सेशल्स में मोदी जी गए थे और काफ़ी एमओयू साइन हुए थे जिसमें अजम्पशन आइलैंड की भी बात की गई थी। फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे इंडिया और सेशल्स रिलेशनशिप के बारे में। सेशल्स बिकम रिपब्लिक इन 1976। फ्रेंड्स, सेशल्स जो है ना वो रिपब्लिक हुआ था 1976 में, और उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसमें सेशल्स के प्रेसिडेंट ने राजीव गांधी जी से हेल्प मांगी थी। देखो हुआ क्या था फ्रेंड्स, जो सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं वो अफ्रीका गए हुए थे, और जो उसी दौरान क्या हुआ, वहाँ पे तख्ता पलट की साजिश हुई और सेशल्स के प्रेसिडेंट ने राजीव गांधी जी से हेल्प मांगी। राजीव गांधी जी ने अपने जो कमांडर्स थे उनको इंस्ट्रक्ट किया कि जल्दी से जल्दी सेशल्स के जो प्रेसिडेंट है उनको सेशल्स पहुंचाया जाए। इंस्ट्रक्शन फॉलो हुए फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे तख्ता पलट की साजिश को बचाया गया और इंडिया ने इस तरीके से सेशल्स की हेल्प की। फ्रेंड्स, और एक बार देखो, और एक इंसिडेंट है ये सेशल्स की, में जो 2009 में पायरेट्स ने काफ़ी हल्ला मचाया था यहाँ पे इंडियन ओशन में और सेशल्स को काफ़ी परेशान किया था, वहाँ पे लूटपाट काफ़ी मचाई थी, तो इंडियन नेवी ने इंटरवेन किया था, अपनी वॉरशिप भेजी और वहाँ जो पायरेट्स को भगाया। फ्रेंड्स, एक और एक इंसिडेंट है फ्रेंड्स, 2014 में हमने पूरी वॉरशिप सेशल्स को गिफ्ट दे दी है। INS तराशा है फ्रेंड्स, जो हमने सेशल्स को गिफ्ट दे दी थी, बहुत बड़ा गिफ्ट था ये सेशल्स के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है एडमिरल रॉबिन के धनोवा एंड सेशल्स प्रेसिडेंट जेम्स मैकल एट ए सेरेमनी टू ट्रांसफर INS तराशा फ्रॉम इंडियन नेवी टू द सेशल्स कोस्ट गार्ड 7 नवंबर 2014। 2014 में हमने ये INS तराशा इनको ट्रांसफर कर दिया था, एज ए गिफ्ट दिया था हमने, जो काफी इंपॉर्टेंट वॉरशिप है तराशा सेशल्स के लिए। सो फ्रेंड, इन्हीं सब हेल्प्स की वजह से जो सेशल्स है उन्होंने डिसाइड किया कि हम अजम्पशन आइलैंड इंडिया को लीज पर देंगे, जो 20 साल की लीज है, आगे भी बढ़ सकती है फ्रेंड्स 10 साल के लिए। सो ये सब हेल्प्स की वजह से हमें अजम्पशन आइलैंड मिला है। फ्रेंड्स, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है अजम्पशन आइलैंड। ये है फ्रेंड्स अजम्पशन आइलैंड, और ये है सोमालिया। फ्रेंड्स, ये सोमालिया, ठीक है, यहाँ के जो पायरेट्स हैं इन्होंने काफ़ी ये सेशल्स में यहाँ पे काफ़ी लूटपाट मचाई थी, और फिर ये यहाँ से इंडियन नेवी ने इंटरवेन किया था और यहाँ पे इनको भगाया था। फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारा अजम्पशन आइलैंड है, यहाँ पर इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। यहाँ पे लिखा भी इंडियन लिसनिंग पोस्ट, MOU विथ सेशल्स टू बिल्ड एयर स्ट्रिप डॉकिंग फैसिलिटी। और फ्रेंड और है कि ये आइलैंड, ये देखो ये आइलैंड भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी इंडिया अपना यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने वाला है, अलगीगा आइलैंड। ठीक है फ्रेंड, अलगलीगा आइलैंड, ये मॉरिशियस के अंडर आता है यहाँ पे, तो इसको भी इंडिया अपना एयरबेस बनाने वाला है, मिलिट्री बेस बनाने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या हम यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं और कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। अब हम बात करेंगे कि ये ट्रीटी किसने किसने साइन की थी। फ्रेंड्स, देखो ट्रीटी किसने किसने साइन की थी, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जयशंकर एंड सेशल्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैरी फ्यूरे, इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ था, और कहाँ साइन हुआ था, कैपिटल विक्टोरिया में। ठीक है, ये जो हमारे इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अभी रिटायर हो चुके हैं फ्रेंड्स, और जो ये डिप्लोमेटिक एंड नॉवल ऑफिशियल सेड दैट द ट्रीटी एग्रीमेंट वॉज अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ एन अर्लियर वन साइन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज सेशल्स विजिट इन मार्च 2015। देखो जब 2015 में नरेंद्र मोदी सेशल्स गए थे तो उन्होंने ये MOU साइन किया था अजम्पशन आइलैंड के ऊपर, लेकिन बीच में हुआ क्या फ्रेंड्स, वहाँ पे इलेक्शन आ गए और इलेक्शन के बाद सरकार चेंज हो गई। फ्रेंड्स, सरकार चेंज होने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए कि ऐसे कुछ चेंजेस होने चाहिए इस ट्रीटी में,
इस एमओयू में, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट मान लेती है कि हम चेंजेस करेंगे और उसके उसके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ेंगे, जो भी प्रोसेस होगी फ्रेंड्स, ठीक है। और देखो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये सेशल्स जो अजम्पशन आइलैंड है, क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो अंडर दिस चाइना हैज सिक्योर डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट विद कंट्रीज सच एज, देखो इन कंट्रीज में चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है, बांग्लादेश में, मालदीव में, म्यांमार में, श्रीलंका एंड पाकिस्तान अमंग अदर डेवलपमेंट्स, एंड इंडियन बिलीव्स कुड लीड इट टू आइसोलेट। देखो फ्रेंड ये मैप है, देखो चाइना ने यहाँ म्यांमार में एक अपना पोर्ट बना के रखा है, म्यांमार में, फिर ही यहाँ बांग्लादेश में भी, फिर यहाँ थाईलैंड में, और ये हम्बनटोटा फ्रेंड्स, इसको 99 ईयर्स के लिए चाइना ने लीज पर ले लिया है। और यहाँ इंडिया जो चाइना यहाँ पे पोर्ट बनाएगा, और यहाँ इंडिया एक सेटलमेंट कुछ तो भी प्रोग्राम बनाना है, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया इंडिया ने, यहाँ इंडिया हाउस डेवलप करेगा श्रीलंका के लोगों के लिए फॉर देयर बेटर लाइफ। और यहाँ पे सिर्फ माले में ही बनाया जो मालदीव में है, फिर गवादर जो पाकिस्तान में है, यहाँ इंडिया ने एक पोर्ट बनाया है चाबार पोर्ट जो कि ईरान में है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ डिजिबूटी में भी क्या इंडी चाइना के एक बनाया है, चाइना का मिलिट्री बेस है यहाँ भी। सो इन सबको टैकल करने के लिए यहाँ है हमारा अजम्पशन आइलैंड, इन सबको टैकल करने के लिए हमने यहाँ अजम्पशन आइलैंड 20 साल के लिए लीज पर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे हम कहते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, ठीक है। पूरा इंडिया को पूरी तरीके से चाइना ने घेर के रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कभी वॉर होती है तो चाइना को इन सब का बेनिफिट होगा, और इंडिया शायद वॉर में थोड़ा पिछड़ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हम अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट सीधा चाइना को टैकल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं, यहाँ से जो ऑयल शिप्स जाती हैं, तो उनको भी बचा सकते हैं ये पायरेट से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है अजम्पशन आइलैंड इंडिया के लिए। सो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये हम यहाँ कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। पहले दिखा देता हूँ आपको अजम्पशन आइलैंड दिखता कैसा है, ये है पूरा अजम्पशन आइलैंड फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ करीब 100 से 150 लोग रहते हैं, जिनके लिए इंडिया या तो फिर उनके लिए घर बनाएगा या फिर उनको दूसरे आइलैंड पे शिफ्ट करेगा। ज़्यादातर यहाँ इंडियन लोग ही रहते हैं फ्रेंड्स। ये है अजम्पशन आइलैंड और ये है एगालेगा आइलैंड फ्रेंड्स, एगालेगा आइलैंड, ठीक है। ये मॉरिशियस के अंडर आता है, यहाँ इंडिया अपना एयरबेस बनाएगा यहाँ पे पूरा, और यहाँ अपना पूरा मिलिट्री बेस फ्रेंड्स, या तो कुछ छोटे हिस्से में बनाएगा या फिर जो भी यहाँ पे जो कि यहाँ के रहवासी हैं उनको दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट करेगा, फिर उनके लिए घर बनाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कितना इन्वेस्ट करने वाला इंडिया है। इंडिया प्लान टू इन्वेस्ट $550 मिलियन, $550 मिलियन इन्वेस्ट करेगा फ्रेंड्स यहाँ बिल्डिंग द बेस टू हेल्प टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स वेसल्स इन द सदर्न इंडियन ओशन फ्रेंड्स। जो सदर्न इंडियन ओशन है यहाँ पे सेफ्टी के लिए फ्रेंड्स, इट ऑल्सो सेज द बेस विल बी अ सोर्स फॉर द अदर शिपिंग नेशन, जो अदर शिपिंग नेशन जहाँ से उनका शिप जाते हैं, जैसे और शिपिंग नेशन ऑयल शिप्स जाती हैं, तो उनके लिए भी इंडिया एक सिक्योरिटी का काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और काफ़ी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करेगा इंडिया यहाँ पे। देखो फ्रेंड्स ये मैंने आपको मैं पहले भी दिखाया था, अभी फिर से दिखाता हूँ। देखो ये है अजम्पशन आइलैंड, ठीक है, ये एगालेगा आइलैंड, और यहाँ फ्रेंड एक रीयूनियन आइलैंड है जो कि फ्रांस के अंडर आता है। तो फ्रांस एक इंडिया का एशिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो फिर फ्रांस काफ़ी इच्छा जता चुका है इंडिया के साथ इंडियन ओशन में काम करने के लिए। और ये है फ्रेंड्स डीगाओ ग्रेशिया, ये डियोगो ग्रेशिया जो यूएसए का मिलिट्री बेस है फ्रेंड्स। तो यहाँ काफ़ी देखा जाए तो टैकल करने के लिए अगर इंडिया भी यहाँ जाता है, फ्रांस भी अच्छा पार्टनर है और यूएसए भी, ये सब मिलकर काम करते हैं फ्रेंड्स, तो चाइना को यहाँ से टैकल किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स चैनल को, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।